हेलो 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 हबीबी हेलो ब्रो हेलो हेलो, ब्रो यस ब्रो यस ब्रो हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो हाउ आर यू ब्रो आई एम ऑल्सो गुड ब्रो. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नाइजीरिया ब्रो ओके, नाइजीरिया. आर यू फ्रॉम यस SSA सर्वर? यस यस एस एस ए सर्वर ब्रो सो एक दूसरे कहने के प्रॉपर कंट्री की बात है, इंटरनेशनल ये मैच है भाई. बाकी तो सब चीजें सही है, स्टार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे मैच कर दिया. क्या लगता है गाइस आप लोगों, क्या यहाँ पे फ्री हम लोग फायर मैच इंडिया जीत पाएंगे? क्या एलिवेटर यहाँ पे पुराने, आप लोग बताए एलिवेटर भाई बहुत पुराना प्लेयर है क्या ये प्लेयर? आज हमारे लिए मतलब खुशी वाला टाइम लेके आने वाला है. एक सेकेंड, रुको यार मैं ना गाना लगा देता हूँ. चलो चैट में भी आ चुका हूं मैं. लेट्स सी. ओके गाइस बढ़ते यहां पे फर्स्ट गेम की तरफ. हियर वी गो, एलिवेटर यहां पे आगे बढ़ते हुए और राइट इन साइड से रंगनार आ रहे हैं. यूएमपी भाई ने लिए और मेरे को तो ये डर है कि बंदा दूर दूर से नहीं, साथ के साथ राउंड मार दे एलिवेटर को, क्योंकि स्कोप इन करके बंदा हेड मार देता है मॉन्टेज में. देख, ओ ओके भाई, क्या ट्राई करना चाह रहा था ये बंदा, क्या ट्राई करना चाह रहा था. और एली का ये हेडशॉट यहां पे खत्म करता हुआ. जी हाँ, प्रॉपर बिना ग्लूल के फ्रेश स्टाइल. और ये तभी होता है जब बंदे को अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा हो. जी हाँ, तभी कहने के ये चीज होती है और इस बार ये चीज दिखी भी है. इसको भाई अपनी एक्यूरेसी से भरोसा है. फर्स्ट राउंड मिस जरूर किया है, बढ़ाने वाले राउंड में क्या होगा. अब्दुल गेम भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, कब से सुपर चैट कर रहा हूं भाई. देखो सुपर चैट से मैं गेम आपको नहीं खिला सकता हूं, रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं कि सुपर चैट भेजोगे तो मैं आपको सीधा यहां पे मैचेस खिला दूं. जब मैं खुद बोलूं, जब मेरे को लगेगा प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं तब. चलिए यह भी गोरंगनार यहां पे पीछे, एलिवेटर यहां पे आगे बढ़ते हुए. एलिवेटर कहने के M1 887 के साथ हैं और अंगनार यहां पे यूएमपी के साथ. यूएमपी, चलिए मैं देखना चाहूंगा गाइस. यूएमपी है, शॉटगन है, टीगल भी है इस प्लेयर के पास. ओके लेट्स गो भाई. सोगात भाई नहीं देखूंगा, भी स्पैम करके कोई फायदा नहीं है. जब यहां पे कहने के मैच स्टार्ट होगा. ओ हो शुरुआत तो इसने भी धमाका कर दिया है. यहां से ये भी धमाका करता हुआ वन ऑल यहां पे इसको कमाल. भाई अभी स्पैम करके फायदा नहीं है, जब मैं रिएक्शन पे आऊंगा तब आप लोग स्पैम कर सकते हो, तब मैं चेकआउट करूंगा, ठीक है ना. ओके भाई 61% बंदों ने एलिवेटर भी आ चुका है. एलिवेटर को पता चल गया होगा कि भाई दम सब तो है. चलिए लेट्स सी. और हम लोगों ने पोल डाला था इसकी मॉन्टेज देख के किस बंदे को फेयर लगता है इसका गेम, किसको नहीं. तो 62% बंदों को फेयर लगता है, 38% बंदों को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल है, कुछ ना कुछ. अब देखते हैं क्या यहाँ पे झोल रहेगा. रंगनार फिर से आगे बढ़ते हुए, नॉर्थ अमेरिका सर्वर का ये प्लेयर. चलिए फिर से वॉल लगाइए, क्या वॉल ग्लिच हो रहा है. भुर्तिकर के साथ ये प्लेयर है, आई थिंक वॉल का ग्लिच यहाँ पे हो जरूर है. एलिवेट को देखते हैं, एली भी आगे बढ़ते हुए. एली भी कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या ग्लू बॉल की व्हाइट इसके नहीं यहाँ पे यूज कर रहे हैं. एली फिर से आगे बढ़ते हुए हेडशॉट मिस यहाँ पे किया. वॉल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट लगा यहाँ पे. रंगनार यहाँ पे गलती लग रहा था, कर गए. बॉल अच्छे से वहां पे नहीं लगा रहे थे और लग रहा है रंगनार भी यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं नर्वस तो है बंदा. और गेम से कहने के पहले ये बंदा बोल रहा था फर्स्ट ब्लड. व्हाट क्या था ये जंप हेडशॉट गाइस. एली ओपी हो जाए चैट में. एलिवेटर भाई लिटरली अपना पुराने रूप में नजर आ रहा है, जो ये जंप करके हेडशॉट मार रहा है भाई. आवाज भी नहीं आई हेडशॉट की, देख रहे हो तो कितना. मोस्टली हमने देखा है आवाज दम नहीं आती अगर तुम जल्दी जल्दी यहां पे शॉट्स यहां पे लगा देते हो. जैसे डीगल से बहुत बंदों का गेम देखने के लिए मिलता है कि भाई कब उन्होंने डीगल चलाई पता ही नहीं चलता है, या फिर गेम ग्लिच भी होता है कभी.
बट ये जो एलिवेटर का शॉट था ये कहीं ना कहीं यहां पे खतरनाक। चलिए अली कहीं ना कहीं फॉर्म में और फायरी को देख के लग रहा है और ओ रिकनेक्ट यहां पे एंग्री की तरह। चलिए देखते हैं क्या ये हेल्प करेगा। मे बी रिजन हटा के जरूर अब देखा होगा क्योंकि पिंग भी भाई का ज्यादा है यहां पे। चलिए अली फिर से ओ डैमेज यहां पे दिया है यानी कि अपने आप को हील करेंगे। जी हाँ हील करते हुए हेलमेट यहां पे खत्म कर चुके हैं यहां पे अली। जी हाँ अली कहने के यहां पे खत्म कर चुके हैं। रविनार को देखते हैं फिर से बचे अली ने कहने के पूरा प्रेशर यहां पे बना दिया अपोनेंट के ऊपर और फायरी हाथ में देख के तो भाई अलग ही मजा आ रहा है एलिवेटर के। चलिए फायरी M10 के साथ है यहां पे। ओके फिर से ओ बच गए। एलिवेटर का भी कनेक्ट नहीं और अपोनेंट भी कनेक्ट नहीं कर पाया बट इस बार वुड पिकर ले ली यहां पर रंगनार ने। भाई क्या रंगनार में एलिवेटर रंग भरने वाला है। ओ मेसी यहां पे किया है बट दोनों प्लेयर ओपन में ये क्या खेल रहे दोनों के लिए मुश्किल है और दोनों ही यहां पे शॉट्स मिस करते हुए। इसी टाइम पे कहने के हेड ज्यादा कनेक्ट होते हैं। ओके रंगनार ऊपर जाते हुए एली भी ऊपर जा रहे हैं अब कहने के जोन और छोटा यहां पे बन रहा है। जी हां एली यहां पे आगे बढ़ते हुए रंगनार भी यहां पे M1887 के साथ। ओके एली M1014 घुसे जरूर है वॉल के अंदर शॉट मिस किया और रंगनार का यहां पे हेडशॉट। स्किप बटन खुजे खुजे अस्थिर का यहां पे हेडशॉट। जी गाइस कहीं ना कहीं मैच बिल्कुल काटे की टक्कर पे है। अगर यहां पे एली मिस कर रहा है तो रंगनार हेड मार दे रहा है और रंगनार मिस कर रहा है तो फिर एलिवेटर यहां पे हेड लगा दे रहा है। भाई शुरुआत इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा नहीं था कि टूल स्कोर होगा और उधर से भी हेड देखने के लिए मिलेंगे एली की तरफ से भी खतरनाक हेडशॉट देखने के लिए मिलेंगे। शुरुआत खतरनाक हुई है यहां पे इंडिया वर्सेस नॉर्थ अमेरिका। इस बैटल को कौन बाजी मारेगा भाई कुछ तो यहां पे क्या क्या गेम प्ले पे स्टडी की जा रही है या फिर स्ट्रीम पे हेडशॉट देखना है रंगनार। चलिए एली फिर से आगे बढ़ता हुआ एली कहने के हो सकता है डीगल का यहां पे यूज करे। पिछली बार बहुत ज्यादा एलिवेटर ओपन में देखने के लिए मिले थे हमें बट क्या इस बार ओपन में देखने के लिए और शॉट यहां पे मिस। चलिए रंगनार की तरफ से देखते हैं ये प्लेयर किस तरीके से शॉट लेता है क्या इसकी मूवमेंट फास्ट तो है भाई नो डाउट एज अ दोनों ही मोबाइल प्लेयर हैं और रंगनार काफी फास्ट है यहां पे स्विचिंग में। ओके चलिए फिर से बाहर निकले हैं भाई कहीं किसी पीछे प्लेयर ने तो कनेक्ट नहीं कर लिया ना। फिर से निकलते हुए वुड पिकर M1887 के साथ लेट्स सी डीगल भी कहने के साथ में प्लेयर बाहर निकले हैं शॉट यहां पे मिस हुआ है कहने के ओपन में आए जरूर थे एली यहां पे एली कहने के राइट हैंड साइड से पता जरूर चला है प्लेयर है बट वो पीछे निकलते हुए बहुत सोचा समझा खेल हो रहा है दोनों प्लेयर की तरफ से। भाई एलिवेटर ने ट्राई इस बार भी किया था पहले निकले थे शॉट लगाया था। चलिए एलिवेटर घुसे हैं बट नहीं कनेक्शन नहीं बना पा रहे भाई बंदा ओपन में था जंप कर रहा था एलिवेटर को ऐसे शॉट यहां पे मिस नहीं कर रहे हैं। ऐसे शॉट मिस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहां पे अपोनेंट यहां पे भारी यहां पे पड़ेगा और ये राउंड है भी जरूरी जो भी यहां पे जीतेगा वो कहीं नहीं गई। ओ भाई लिटरली क्या मारा है इसने यार और भाई ये राउंड जरूरी था। अब यहां से कहीं ना कहीं प्लेयर लीड लेंगे और रंगनार लीड। भाई अली इतना कहीं ना कहीं इतने ज्यादा शॉट मिस हुए ना इस राउंड में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉट यहां पे मिस बट स्टिल क्या लगता है गाइस अभी भी कौन जीतेगा। स्कोपिन हेड वो हेड मारने यहां पहला स्कोपिन हेड ट्राई किया था अगला फिर उसी के बिना मार दिया वो मारने के बाद स्कोपिन करता है बट भाई कमाल का वुड पिकर का हेडशॉट को कुछ तो करना पड़ेगा अब यहाँ पे कमबैक के लिए। भाई लगातार मेरे को लग रहा है 2-3 राउंड यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। चलिए ये अभी वाली बैटर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए रंगनार को देखते हैं बैटरी 1v1 यहाँ पे बैठल रंगनार आगे बढ़ते हुए टर्टल के साथ यहाँ पे है। ओके एलिवेटर फिर से है फिर से एलिवेटर रश करते हुए प्रेशर बनाना पड़ेगा एलिवेटर को। जी हाँ कहने के एंग्री का रूप लेना पड़ेगा या फिर अपने प्राइम टाइम में जाना पड़ेगा एली को।
ओके गुड टू वॉक, यहाँ पे ट्राई जरूर कर रहे हैं, बट भैया एक्यूरेसी की बात है, यहाँ पे क्या उतने एक्यूरेट हो पाएंगे? तो ये रंगनार चांसेस तो काफी दे रहे हैं यहाँ पे, और ये दो शॉट मिस, यहाँ पे तीसरा भी मिस। एलिवेटर, वेयर इज योर एक्यूरेसी भाई? एक्यूरेसी किधर है? क्या गर्लफ्रेंड के पास ही एक्यूरेसी छोड़ के आ गए हो? चलिए फाइनली पिछले राउंड बहुत बेकार गया था, और ये राउंड भी लग रहा था कि भाई किधर भी गेम जा सकता है, बट एली कम बैक करते हुए कि बात भी यहाँ पे कंट्री की है, तो भाई ये गेम तो एलिवेटर को निकालना ही पड़ेगा। थ्री ऑल यहाँ पे इसको, एलिवेटर को ही है भाई, कहने की एक्यूरेसी लेके आनी पड़ेगी भाई। एफएफ इंडिया कब आएगा यार? देखो मतलब डेट कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रही है, तो वेट कर लो इस मंथ का मोस्ट प्रोबेबली। ऑफिशियल न्यूज मेरे पास नहीं है, बस मैं भी ऐसे ही आइडिया लगा रहा हूँ, अभी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा कोई भी डेट कुछ भी निकलता है। चलिए अली को देखते हैं गाइस, रंगनार इस बार यूएमपी के पास है, सॉरी यूएमपी के साथ है और पास भी है। ओके ऐसी रंगनार क्या कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि यूएमपी कम ही प्लेयर खेलते हुए देखने के लिए मिलते हैं। यूएमपी से भाई ओनली रेड मारोगे तब कहीं ना कहीं तुम कुछ कर सकते हो। चलिए शॉर्ट गन पे फिर से हैं इस बार, कहीं ना कहीं अली थोड़ा सा बचाव कर रहे हैं, ओपन में उतना नहीं दिख रहे। क्या रंगनार यूएमपी से, यहाँ पे एक येल्लो तो आया था बट हमें दरकार है, जिस हिसाब से रेड रेड यहाँ पे लगा रहे थे। अली की बात की जाए, अली ने एक बॉल लगाई है, अली बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, बट इस बार अली को हेड यहाँ पे पड़ा है। रंगनार कहीं ना कहीं वो हेड कनेक्ट करते हुए भाई फंस गए थे बॉल के बीच में, और अभी कहीं ना कहीं रिपेयर नहीं कर रहे, हेलमेट वहां पे रिपेयर नहीं कर रहे जी, आप प्रॉब्लम में यहाँ पे पड़ सकते हैं। बॉल के अंदर दोनों प्लेयर रंगनार पीछे गए, एक इंटेंस फाइट हुई जरूर थी बॉल के बीच में, और भाई हील करना चाहिए था वहां पे रंगनार को, हील वहां पे नहीं किया, और एलिवेटर बॉडी प्लस हेड भी हम लोगों को एक थोड़ा सा रेड दिखा था। ये राउंड अपने नाम करते हुए, और 4-3 यहाँ पे इसको। ब्रो साउथ कोरिया से प्लेयर बुलाओ भाई, कहीं ना कहीं परमानेंट, हाँ क्योंकि यार पता नहीं रहता ना क्या होगा, तो वो वही रहता कि क्या होगा कहीं ना कहीं। देखो यार साउथ कोरिया तो नहीं, ये जो भी कोरिया बोल रहे हैं, बट एक हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था यार, मैं भूल रहा हूँ, ताइवान से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बातें हो रही थी, बट अभी बीच में टूर्नामेंट इतने हो रहे हैं ना, तो कुछ 1v1 पे नॉर्मल ही टेस्टिंग चल रही है, बाहर के प्लेयर्स उतने नहीं आ पा रहे, जैसे पहले R3D होगा, जितने भी फ्री स्टाइल प्लेयर है वो देखने के लिए मिलते थे, बट अगले गेम में जेरोक्स भी आने वाला है जी, अगले गेम में कहने के जेरोक्स भी एंट्री यहाँ पे करने वाला है। और सारे भलो गाइस एक साथ स्ट्रीम को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। ओके रंगनार को कम बैक करना पड़ेगा अगर यहाँ पे गेम में बने रहना है, यूएमपी का सहारा इस बार लिया है, पिछली बार भी यूएमपी ट्राई किया था लेकिन जैसे ही एलिवेटर क्लोज रेंज में आ जाता है तो ये बंदा कहीं ना कहीं M1887 निकाल लेता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूएमपी पे ही फोकस है इस बंदे का। चलिए लेट्स सी यविको रंगनार, एली की बात की जाए तो एली आगे बढ़ते हुए, यविको एलिवेटर कहने के पीछे, एली रंगनार को थोड़ा सा रश करके फाइट यहां पे लेनी पड़ेगी, और ए यार कैसे मिस कर दिया, ये पीड़ दिखा रहा था वहां पे एलिवेटर, और एलिवेटर हेड लगाता हुआ, रिपेयर किट ये बंदा लगाएगा इस बार कहीं ना कहीं, रिपेयर किट भी और हील भी ये प्लेयर करेगा। ओके और कहीं ना कहीं आज गाइस मैडक्स भी यहां पे फ्री है, मैडक्स का भी कंफर्मेशन आया है, और जेरोक्स बोल रहा है 8:30, तो नेक्स्ट गेम कहीं ना कहीं मैडक्स का हम लोग कराएंगे फ्री स्टाइल प्लेयर, कौन आएगा उसकी अगेंस्ट। चलिए अली फिर से, अली जंप ट्राई किया था, आवाज फिर से नहीं आई थी, जब भी ये ट्राई कर रहे हैं ना जंप वाला कहने की आवाज नहीं आ रही, बट मैच देख रहे हो तुम भाई, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि बिल्कुल लास्ट में जाके हमें पता चल रहा है, बट ये कैसे मार दिया भाई अली ने, अली ब्रो ये क्या मार दिया भाई तुमने, ओके okay, चलिए भाई 5-3, काफी प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव हैं,
और आज एंग्री नहीं है भाई, एंग्री नहीं है। जूस भी आई थिंक बिजी हो सकते हैं यहाँ पे, रुको जूस को भी पूछ लेता हूँ, मजा तो आएगा। चलिए 5-3 यहाँ पे स्कोर, क्या कुछ करेगा कैली, एक और राउंड और लगातार दो राउंड निकाल के गेम खत्म करेगा क्योंकि एली रश कर रहे हैं। अरे यार बट एलिवेटर कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसे हुए, एली कहीं ना कहीं फंसे जरूर हैं। 5-4 बट इतना इजी कहीं ना कहीं अभी गेम लेना नहीं है यहाँ पे भाई। मैडेक्स तो अरे मैड, अरे मैडमैक्स, मैडमैक्स मैडमैक्स यार दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता हूँ। मैडमैक्स ने भी मेरे को मैडेक्स ने मेरे को बोला था भाई तुम मैडमैक्स बोलते हो मेरे को, और आज मैंने मैडमैक्स को मैडेक्स बोल दिया, तो ये पता नहीं यार होता रहता है। शुमे चश्मा मस्त लग रहा है, लिंक दे दो। अरे ये तो मैंने हॉस्पिटल से बनवाया, मतलब वही आंखों के लिए बनवाया, लिंक मैं कहाँ से दूँ चेकअप वगैरह करवा के, ऑनलाइन नहीं मंगाया भाई। चलिए 5-4 यहाँ पे स्कोर गाइस, बढ़ते हैं एक और राउंड की तरफ। एली 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 पिछला राउंड शुरू होते ही खत्म कर दिया था भाई, इस राउंड में भी कहीं ना कहीं जन्नार यहाँ पे हेड लगाते हुए, और हील करना पड़ेगा एली को, एली को हील करना पड़ेगा। हेलमेट कहीं ना कहीं डैमेज है, रिपेयर किट क्यों नहीं लगाते यहाँ पे एली। चलिए इस बार रिपेयर किट यहाँ पे लगाई है, मेडकिट शायद उससे पहले वहां पे लगाई थी। एली सीधा फिर से रश करते हुए, जी हाँ रश में कोई कमी नहीं दिख रही है, बट भाई भैया रश के साथ साथ एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, 5-all यहाँ पे स्कोर, रंगनार कमबैक करते हुए बैक टू बैक यहाँ पे दो राउंड्स निकालते हुए, और जो लग रहा था कि एलिवेटर जीत जाएगा, अब कहने के चीजें ट्रबल में है यहाँ पे। कि रंगनार का कुछ नेट वगैरह इधर जाता हुआ दिख रहा है, आ गया शायद में भी हर राउंड में। ये एंग्री तो नहीं है ना रंगनार, रंगनार भाई तुम एंग्री तो नहीं हो, हर राउंड में ये बंदा भी रिकनेक्ट कर रहा है भाई। वॉइस नहीं आ रही, आ तो रही है वॉइस भाई, नंबर वाले हैं स्टाइल वाले, नंबर वाले ब्रो, नंबर 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 वाले चश्मे। चलिए एली को देखते हैं गाइस, अभी और रंगनार कहने के यहाँ पे पीछे, रंगनार की तरफ से देखते हैं इस बार क्या कुछ होगा। रंगनार का गेम प्ले 5-all यहाँ पे, इसको लेट्स सी 1v1 यहाँ पे बैटल, ये रंगनार क्या कुछ करेंगे भाई। चलिए 1887 के साथ हैं और पीछे एलिवेटर, ये राउंड जो भी जीतेगा वो मैच पॉइंट पे एंट्री कर लेगा भाई। थोड़ा सा डर डर सा लग रहा है यहाँ पे एलिवेटर, कम ऑन यू कैन डू इट भाई, एली निकालना है ये राउंड। ओपन में आ रहा है बट एलिवेटर दिख रहा है कभी नहीं। ओके अरे एली निकला जरूर था बट बेस्ट ही डैमेज हुई है यहाँ पे, रंगनार पोजिशन अच्छी ले रहा है, जैसे ओपन में आता है बट इस बार बहुत ज्यादा डैमेज यहां पे कर दिया है, बट कहीं के रंगनार को फिर से, जी हाँ रिपेयर किट भी होगी मेडकिट भी होगी, हेड वहां पे लगाया जरूर था बट फिर से मैदान में आते हुए हेलमेट, और यहां पे फुल एचपी के साथ ओ एली ऊपर से आ रहे हैं टॉप से, ली कहीं के टॉप से आ रहे हैं लक्ष्य भाई, इंटेंस गेम यहां पे बन रहा है, इंडिया वर्सेस नॉर्थ अमेरिका। ओके रंगनार चलिए फिर से एली की बात की जाए, पीछे है जरूर भाई, अब तो मेरे को लग रहा है डर डर सा लग रहा है, जोन एलिवेटर की तरफ थोड़ा पीछे गया, बट 1v1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, किसी की भी तरफ जोन हो। ओ अरे भाई रंगनार ने क्या कमबैक किया है यहाँ पे इस गेम में, क्या एलिवेटर अब यहां पे कमबैक कर पाएगा, देखने वाली बात अब यहां पे रहेगी ब्रो। साउथ कोरिया चाइना जापान थाईलैंड में ई-स्पोर्ट्स गेमर्स का बहुत हाइप है, क्रेज है भाई, अब अपना इंडियन सर्वर भी आ जाएगा भाई, एक दो साल की बात है बस, वो गेम में भाई आगे है बहुत, चाहे तुम अभी एशियन गेम्स की बात कर लो, मतलब स्पोर्ट्स की ही बात कर लो, स्पोर्ट्स को छोड़ो कितने मेडल ले लेके आते हैं भाई, तो भाई एशियन गेम्स को देख के ऐसा लगता है कि अपने भारत में उस लेवल पे जाने में कहने के 10 या 20 साल लग जाएंगे, जिस हिसाब से उन्होंने मेडल निकालते हैं और ओलंपिक में तो खैर ओलंपिक में तो अलग ही बात है। चलिए 5-6 यहां पे इसको,
ओके ये अभी गोली टेनी के गुट्टो स्टाइल पे आए जरूर है। किस तरीके से यहाँ पे होल्ड टेनी के यहाँ पे किया जरूर जा रहा है एलिवेटर की तरफ से। लेक्सी रंगनार किस तरीके से अटैक करेंगे, एक ही राउंड की जरूरत है बस यहाँ पे। जी हाँ रंगनार थोड़ा सा पीछे हटके यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं। ओके एलिवेटर का टेनी के जो एक रश था उसका एक बेनिफिट उठाया जरूर है यहाँ पे रंगनार ने। ओके ये अभी गोली भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नर्वस जरूर होंगे अब, बट ये राउंड निकाल दिया तो भाई फिर बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए गाइस देखते हैं क्या कुछ होगा। यह भी गोली कमॉन एली कमॉन भाई, दो ही राउंड निकालने हैं बस, ये देखो दो ही राउंड निकालने हैं तुम्हें बस। नहीं रंगनार को पोजीशन अच्छी मिल रही है, जैसे वो बाहर निकल रहे हैं ना पोजीशन अच्छी मिल रही है एलिवेटर की। अरे ये क्या हुआ, रंगनार का कुछ तो इशू हुआ है यहाँ पे। जी हाँ कुछ तो इशू हुआ है इंटरनेट यहाँ पे एलिवेटर। चलो एलिवेटर को अभी पता है कि नेट गया। चलिए रंगनार आते हुए फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं, बट जोन में कहीं जोन में एलिमिनेट तो नहीं हो जाएंगे। और आई थिंक ये राउंड कहीं ना कहीं एली के पास गया, बट देखना पड़ेगा क्या इशू यहां पे हुआ है। रंगनार इस राउंड में एलिमिनेट हुए हैं 6-all। अब यहां पे स्कोर आईडी ओपन नहीं यार, उसी का काउंट है और कौन आईडी ओपन करेगा, उसका तो न्यूयॉर्क। गाइस सारे भाई लाइक कर लो, लेट्स गो भाई। 5 के लाइक्स में सिर्फ हम लोगों को 500 लाइक चाहिए, तो जिसने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो भाई सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर लो। चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लो। ये टेस्टिंग वाला स्ट्रीम है और इस चैनल पे टेस्टिंग की ही स्ट्रीम आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना भाई लोग। चलिए आगे बढ़ते हुए ये अभी को स्कोर हो चुका है यहाँ पे 6-all। एक तरफ एलिवेटर रंगनार आए हैं, बट रंगनार के पास यहाँ पे कैली के पास लोग कुछ लेके नहीं आए हैं यहाँ पे। जी हाँ कहने के कुछ लेके नहीं आए भाई। स्क्रिप्टेड अरे भाई स्क्रिप्टेड होता तो यार वो एलिवेटर से करवाता मैं, यार एलिवेटर से करवाता ना। यही देखते हैं लास्ट राउंड है क्या होगा, बट एलिवेटर मारेगा फिर भी कहने की गेम बराबरी होगा अगर किल्स की बात की जाए, क्योंकि वो बंदा पिछले में एलिमिनेट हुआ है और एलिमिनेट भी फाइट करते हुए नहीं हुआ है, एलिमिनेट भी कहने के इशू की वजह से हुआ है। ये देखना पड़ेगा भाई अली के लिए लास्ट राउंड है। अली गलत जगह से कहने के लग रहा है निकल रहे हैं। ओ मिस करते हुए ये शॉट यहां पे एलिवेटर 6-all। कौन यहां पे बाजी मारेगा। जी हाँ एक लास्ट राउंड बड़े यार कुछ बोलो, रंगनार ने जो बीच में से सेंटर से जो कमबैक किया ना वो लिटरली भाई अलग लेवल था वहां पे। ओके चलिए अली 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 और नहीं रंगनार यहां पे वाइप आउट करते हुए इस गेम को भी कहीं ना कहीं अपने नाम यहां पे करते हुए मैच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्लोज था जरूर, बट